डर, अनश्योरिटी, प्री कंसीव नोशंस, आपके अजम्पशंस, उनको अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर मत आने दो। और अगर गहरी सोच में जाएंगे तो फैसले कमजोर हो जाएंगे और आप अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे। ये स्टोरी एक फार्मर की, एक किसान जिसको अपने लैंडलॉर्ड की बेटी से प्यार हो जाता है और वो ठान लेता है शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। अब वो बहुत सोच विचार करता है, बहुत करेज इकट्ठा करता है और लैंडलॉर्ड के पास जाता है, बोलता है मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। लैंडलॉर्ड बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने इसको नाजों से पाला है, क्या तुम इसका ध्यान रख पाओगे? फार्मर बोलता है मैं जान लगा दूंगा इसका ध्यान रखने में, मैं इसको बहुत खुश रखूंगा। बोलता है चलो ठीक है, बट मैं एक टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम प्रिपेयर्ड भी हो क्या। उनकी जो लैंड हुआ करती थी वहां पे आना। बोलता है ठीक है, सब चीज के लिए प्रिपेयर हूँ, मुझे सिर्फ शादी करनी है। 2 दिन खत्म हुए हैं और फार्मर पहुंचा लैंड पे। उस लैंडलॉर्ड ने कहा सामने से 3 बुल छोड़ूंगा, यानी कि 3 सांड मैं गेट से खोलूंगा, तुमको तीनों में से एक की पूंछ पकड़नी है। तुमने अगर तीनों में से एक भी पूंछ पकड़ ली तो मेरी बेटी तुम्हारी, तुम शादी करके इसको ले जा सकते हो। खुश? फार्मर को इतना नहीं कर सकता क्या? इनके बीच में तो मैं पला बड़ा हूँ। और फिर टेस्ट स्टार्ट होता है। जैसे पहला गेट खुलता है बहुत बड़ा सांड, मतलब इस फार्मर ने इतना बड़ा सांड, इतना बड़ा साइज कभी देखा ही नहीं होता है। तो वो दूर से सांड को देखते ही डर जाता है, बोले यार ये तो बहुत बड़ा है, गलती से इसके पैर के नीचे भी आ गया ना मैं पूछ पकड़ता हुआ तो मेरी जान निकाल देगा। अब वो जैसे ही सांड उसकी तरफ दौड़ने लगता है, वो उसका साइज देख के इतना डर जाता है कि वो साइड में खड़ा हो जाता है और पहला सांड निकल जाता है। अपने आप बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 2 और बचे हैं अभी। फिर दूसरा गेट खुलता है, जैसे गेट खुलता है उसको दिखता है सबसे भयानक सांड। पहले वाला तो बड़ा था, ये भयानक था, इतने बड़े बड़े बाल, मिट्टी लगी हुई हर जगह पे, खूंखार एकदम। तो उसकी शक्ल देख के डर जाता, बोले यार साइज तो बड़ा नहीं लेकिन ये गेट खुलने से पहले ये इतना खतरनाक है, गेट खुलने के बाद तो ये मेरे को खा जाएगा, मेरी जान ले लेगा, मतलब आंखों से मार देगा, इतना खतरनाक। और जैसे उसकी तरफ दौड़ने लगता है वो कोशिश तो करता है पूंछ पकड़ने की लेकिन उसको देख के डर जाता है। फिर अपने आप बोलता है कोई बात नहीं, 2 निकले हैं अभी, तीसरा बाकी है और इसकी तो मेरे को पूंछ पकड़नी है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, मुझे इसकी पूंछ पकड़नी है। जैसे गेट खुलता है एक बिल्कुल पतला सा सांड उसको दिखता है, भाई खुश हो जाता है देख के, अरे वाह ये तो, इसको तो मैं, इसकी तो पूंछ क्या है, इसको तो मैं पूरा पकड़ लूंगा। वो जैसे उसकी तरफ दौड़ने लगता है, इसका कॉन्फिडेंस अलग इसमें, वो भी उसकी तरफ दौड़ता है। जैसे वो पास पहुंचने वाला होता है, वो साइड में होता है ताकि उसकी पूंछ पकड़ पाए, वो जैसे ही उसकी पूंछ पकड़ने लगता है उसको पता लगता है इसकी तो पूंछ ही नहीं है। लैंडलॉर्ड बोलता है तुम टेस्ट पास नहीं कर पाए, आई एम सो सॉरी, मैं आपको मेरी डॉटर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे हिसाब से तुम रेडी नहीं हो। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सो गौर से सुनिएगा, 5 ऐसी लर्निंग्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेंगी। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कभी कभी लाइफ आपको ऐसे टाइम पे ऐसी गूगली फेंकेगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया। फेस करें जो भी सरप्राइज आ रहा है, जरूरी नहीं हर बार सरप्राइज अच्छा ही हो। कोई अगर ऐसा इंसान है जो चेंजेस के लिए रेडी नहीं है, वो जब सरप्राइजेस आएंगे ना तो वो गिव अप कर देगा। बट द ब्यूटी इज हमारी मिस्टेक्स से सीखते हैं, नथिंग वर्थ कम्स इजी एंड दैट्स ओके। इस स्टोरी में हमें जानने को क्या मिला कि वो जो फार्मर था वो बहुत इजीली सब कुछ उसके हिसाब से होने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं था किसी डिफिकल्ट चैलेंज के लिए और उस लैंडलॉर्ड को पता था ये रेडी नहीं है। ये स्टोरी सिर्फ अपॉर्चुनिटी लूज करने के बारे में नहीं है, ये आपको बताता है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस जज कर लेते हैं। आपको नहीं पता कौन सा चैलेंज आपको कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी देके चला जाए, जो होता है वो दिखता नहीं है और कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। ये जो फार्मर था ना ये सब बुल्स को देख के जज कर रहा था, उसने ढंग से देखा ही नहीं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे इसकी पूंछ पकड़ में आ जाए। कभी कभी लाइफ में ना हमारे प्री कंसीव नोशंस यानी कि पुराने एक्सपीरियंसेस के कारण हम जजमेंट्स बना देते हैं, हाँ ये भी वही है, और शायद हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो यही तो हो रहा है हमारे अराउंड, किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग सोचते हैं ये तो स्कैम है और कुछ सालों बाद जाके सोचते हैं यार कर लेनी चाहिए फायदा रहता। अनदर लेसन, फाइट टू विन। इस स्टोरी में जो फार्मर था वो सारी अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ से मिस होने दे रहा था, फर्स्ट 2 बुल्स को उसने ऐसे ही जाने दिया ये सोच के कि हाँ एक और है। आप वेट नहीं कर सकते हाँ ठीक है ये अपॉर्चुनिटी आई थी ये निकल गई ऊपर वाला मुझे दूसरी देगा, ये नहीं होने वाला है, यू हैव टू फाइट फॉर इट। ये स्टोरी बहुत छोटी हो सकती थी अगर वो पहले ही बुल की पूंछ को पकड़ लेता या टच कर लेता, बट उसने अपने फियर्स को रिजर्वेशंस को बीच में आने दिया और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। सही जगह पे दम और कन्विक्शन चाहिए होता है अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। हम लाइफ में जीत ही नहीं सकते अगर हम बोलें कि नहीं मैं तो फाइट नहीं करूंगा मुझे बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, वो इजीली कुछ नहीं देगा इनिशियली। अगर आपने ऊपर वाले से मैंगो जूस मांगा ना तो वो मैंगो जूस नहीं मैंगो देगा, जूस तो आपको ही निकालना पड़ेगा। सो स्टोरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आई होप आपको भी बहुत कुछ सिखाया है, और अब जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप उसको इजीली मिस ना करें, आपकी इस फार्मर जैसी हालत हो जाएगी।
कीप स्माइलिंग। चीयर्स।